हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम ईवीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। पहले क्वेश्चन में ये दिया गया है कि टीचर का ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो जेंडर बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये आपको बताना है। तो जो यहाँ पहला दिया गया है कि विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया, यानी वो लड़कियों और लड़कों दोनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो जेंडर बायस नहीं है। सेकंड कह रहा है कि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, यानी पर्टिकुलर लड़कों के लिए कह रहे हैं टीचर जो भी हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, जेंडर बायस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो मटेरियल यूज होता है सोलर सेल में, उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिलिकॉन। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जेंडर स्टीरियोटाइप आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित कर रहा है। पहला कह रहा है सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, तो ये क्या कह रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पहला ही सही हो जाएगा। फिर भी अगर हम देख लेते हैं, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते, यानी दोनों को यहाँ इन्वॉल्व है, तो ये तो नहीं होगा। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है, ये फैक्ट की बात कर रहा है, तो ये भी आपका जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होगा। फोर्थ कह रहा है लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में भाग लिया, यानी दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसमें नर जो जो नर पक्षी होता है वो बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है, और जो मादा पक्षी होती है वो क्या करती है, उन सभी घोंसलों को अच्छे से देखती है, उसे जो भी घोंसला बहुत ज्यादा पसंद आता है उसी में अपने अंडे देती है। आपको बताना है इस चिड़िया का नाम क्या है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बया, जिसे वीवर बर्ड भी कहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है इंसेक्ट का जो ग्रुप में रहते हैं, यानी जो समूह में रहते हैं, वो आपको बताना है। तो समूह में कौन कौन से रहते हैं, चींटियां रहती हैं, मधुमक्खी रहते हैं, और आपके ततैया भी रहती हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मकड़ी नहीं रहती, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ आपकी जो मकड़ी होती है वो ग्रुप में नहीं रहती, तो ये भी गलत। और फिर उसके बाद यहाँ अगर बात करें तो घर में पाई जाने वाली मक्खी, ये भी ग्रुप में नहीं रहती, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फूलों की पहचान करनी है आपको, और स्टेटमेंट दिए गए हैं, और उसी के बिहार पे आपको फूलों की पहचान करनी है। पहला कह रहा है केवल रात में ही खिलता है, तो केवल रात में ही कौन खिलता है, सिर्फ रात जो रात रानी का पौधा होता है वो रात में खिलता है, तो ए ऑप्शन पे तो रात रानी हो जाएगा। सेकंड कह रहा है औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, गुड़हल का जो फूल होता है उसका प्रयोग औषधि बनाने में काम में लाया जाता है, यानी सेकंड में आपका गुड़हल हो गया। रंगाई के काम में लाया जाता है, आपने जो गेंदा का फूल देखा होगा, तो जो गेंदे के फूल होते हैं उसका उपयोग रंगाई के काम में लाया जाता है, तो थर्ड में गेंदे का फूल हो जाएगा। डी कह रहा है पूरे वर्ष भर खिलता है, अगर आप गुलाब के फूल की बात करें तो पूरे वर्ष भर आपको खिलता हुआ दिखाई देगा, कुछ मौसम में ज्यादा खिलता है, कुछ मौसम में कम खिलता है, यानी यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी रात रानी जो हिबिस्कस आपका दिया गया है, गुड़हल का ही इंग्लिश नेम दिया गया है। थर्ड में हो जाएगा गेंदा और फोर्थ में हो जाएगा गुलाब, फोर्थ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ऊपर हमने इस क्वेश्चन को रिपीट किया था, तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। फिर हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है कि इसमें आपको बताना है, चार बच्चों की रिपोर्ट आई है हीमोग्लोबिन की, और आपको ये बताना है कि किसमें हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम है। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 11 से 14 के बीच में होना चाहिए, अगर 11 से 14 के बीच में है तो वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, अगर उससे कम है तो यानी उनको एनीमिया की शिकायत हो सकती है। यहाँ अगर अमन की बात करें तो 11 से कम है, यानी अमन को एनीमिया है, राधिका को भी है और मारिया को भी है, यानी अमन, राधिका और मारिया तीनों को ही एनीमिया की शिकायत हो सकती है, क्योंकि इनका जो हीमोग्लोबिन है वो कम है, किससे, 11 से 13 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला दिया गया है कि केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये तो हम हमेशा से पढ़ते हैं कि जो मधुमक्खियां होती है उनमें सिर्फ और सिर्फ रानी मक्खी ही अंडे देती है, यानी ये तो हो गया पॉजिटिव, हमें क्या फाइंड करना है, निगेटिव। सेकंड कह रहा है कि जो आपकी जो वर्कर्स मक्खियां होती हैं, जो काम करने वाली मक्खियां होती है, वो नर मक्खी होती है, जी नहीं, नर मक्खियां कुछ काम नहीं करती और कुछ भी नहीं करती, यानी थोड़ी मात्रा में होती हैं और कुछ काम नहीं करती, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा ये,
निगेटिव भी हमसे पूछ रहा था, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के अनेक इलाकों में पाई जाने वाली बावड़ियों, बावड़ी आप जानते होंगे क्या होते हैं, स्टोर करने, वाटर स्टोर करने के लिए एक रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें कहते हैं बावड़ी। राजस्थान में ये देखने को आपको मिलेंगे। तो वही पूछ रहा है कि भारत के अनेक इलाकों में बावड़ी पाई जाती है, और बावड़ी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपको बताना है। निगेटिव पूछ रहा है आपसे। पहला कह रहा है ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ये तो हो गया पॉजिटिव, ये तो सही है, यानी पॉजिटिव पूछ रहा है, लेकिन हम सॉरी ये स्टेटमेंट है पॉजिटिव, पूछ रहा है निगेटिव, ये तो नहीं होगा। फिर कह रहा है कि बावड़ी का जो जल होता है वो पीने योग्य नहीं होता, ऐसा नहीं है, बावड़ी का जो जल होता है वो पीने योग्य होता है, यानी ये निगेटिव है, निगेटिव पूछ रहा था, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी जो है वो अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, तो ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? अगर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद आपका गुजरात में पड़ता है, त्रिवेंद्रम केरल में पड़ता है, और ये जो आएगा यानी कि इस एरिया में आएगा, और ये जो एरिया है ये पश्चिमी घाट का एरिया है, यानी जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभिकथन दिया हुआ है, तर्क दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभिकथन ये है कि जो हाथियों के झुंड होता है उसमें केवल और केवल मादा हाथी होते हैं और बच्चे हाथी होते हैं, तो ये तो सही है, ये हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी ये मेंशन किया गया है। और सेकंड कह रहा है कि जो नर हाथी होते हैं चारों ओर अकेले ही घूमते हैं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नर हाथी जो है वो अकेले ही घूमे, हो सकता है कि एक दो के साथ ही घूम रहे हों। तो यहाँ जो तर्क है वो तो सही नहीं है, लेकिन अभिकथन जो है वो सही है, यानी ए सही है आर गलत है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो चिड़ियों के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला दिया गया कि जो सभी चिड़ियों की जो आंखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर यहाँ ये दिया होता कि अधिकतर चिड़ियों की जो आंखें होती हैं सिर के दोनों तरफ होती है, तब तो ये सही हो जाता, क्योंकि अगर उल्लू की बात करें तो उल्लू की जो आंखें होती हैं वो मनुष्य के तरीके जस्ट सामने की ओर होती हैं, जैसे हम लोगों की आंखें सामने हैं वैसे उल्लू की भी आंखें सामने की ओर होती हैं, तो यहाँ पहला तो गलत हो गया। सेकेंड क्या कह रहा है कि चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती, ये स्टेटमेंट भी गलत है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो चिड़िया होती हैं वो एक टाइम पर किन्हीं दो वस्तुओं पर अलग अलग फोकस कर सकती हैं, यानी ये भी गलत, दोनों ही गलत हो जाएंगे, एस वन और एस टू दोनों गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है आपकी टाइगर्स के बारे में, यानी बाघ के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, और आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। किससे रिलेटेड स्टेटमेंट है? अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद करती हैं। तो जो आपकी इनकी सेंसिटिव मूछें होती हैं ये तो मदद करती हैं, क्योंकि ये वायु में हो रहे कंपन को पहचान लेती हैं, ये तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ निगेटिव पूछ रहा है। विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, यानी अपने कानों को विभिन्न डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में काफी मोड़ लेते हैं, यानी कि चारों तरफ की आवाजों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये भी सही है। थर्ड कह रहा है जोर से गर्जना, यानी बहुत तेज से ये क्या करते हैं, रोर करते हैं। अगर एक कोई बाघ है कोई शिकार को खोज रहा है तो वो धीमी गति से जाएगा, आवाज नहीं करेगा, अगर वो जोर से दहाड़ देगा तो शिकार तो भाग जाएगा, यानी कि यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ नेशनल पार्क दिए गए हैं, एक तरफ दिया गया स्टेट, यानी कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में, ये आपको बताना है। अगर जिम कार्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है, और ये टाइगर रिजर्व भी है और सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का, तो यहाँ फर्स्ट आपका सेकंड से कनेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा आपको असम में देखने को मिलेगा, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। रणथम्बोर की बात करें तो रणथम्बोर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, और गिर आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, यानी पहले का सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा, और डी का थर्ड हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना, ये कौन सा मिशन ऐसा है जो गंगा जल को स्वच्छ रखने के लिए एक सही विकल्प है। पहला दिया गया जल शक्ति और नमामि गंगे, नमामि गंगे तो रिलेटेड है गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए, लेकिन अगर जल शक्ति अभियान की बात करें तो जल शक्ति मिशन में ये बात कही गई है कि जो टैप वाटर फैसिलिटी है वो इंडिया के हर घर में प्रोवाइड की जाएगी, जिससे उनको शुद्ध जल मिल सके पीने के लिए, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए सही मिशन नहीं है।
दूसरा कह रहा है गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान, ये सही है, यानी थर्ड ऑप्शन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के भी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, ऐसे ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंडे में भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, दाल तो प्रोटीन का सोर्स होते ही है, मछली में भी प्रोटीन पाई जाती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है, यानी एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये एक स्टेट है, और पुदुचेरी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक टीचर है वो बच्चों को चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले गया। अब चिड़ियाघर दिखाने के उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, यानी टीचर जो है वो बच्चों को चिड़ियाघर अगर ले गया है तो चिड़ियाघर दिखाने का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा, यानी जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, उन्हें बच्चों को फेस टू फेस दिखाया जाए, जिससे वो क्लास की जो नॉलेज है उसे रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके। यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, यानी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, यानी प्रॉबिंग क्वेश्चंस, बच्चों को प्रॉब्लम्स देना जिससे वो खुद ही उसको एनालाइज कर पाए और उसका सही सोल्यूशन भी ढूंढ पाए, ऐसे क्वेश्चंस टीचर बच्चों से पूछता है। उसके बाद कह रहा है उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है, यानी निगेटिव आपको फाइंड करना है। तो अगर किसी बच्चे को आप प्रॉब्लम दे दोगे और कहोगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ढूंढना है, तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, यानी यहाँ ऑब्जर्वेशन स्किल तो उसकी डेवलप हो रही है। लिसनिंग स्किल, वो आपको अच्छे से सुनेगा तभी तो प्रॉब्लम को समझ पाएगा, ये भी सही हो जाएगा। क्रिएटिव स्किल, क्रिएटिव स्किल कैसे होगी, अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो फाइंड कर रहा है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है, तो वहाँ उसकी क्रिएटिव स्किल्स डेवलप हो रही है, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो रही है, यानी सेकेंड थर्ड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट गलत होगा, क्यों, क्योंकि डेमोंस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो, किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन के सोल्यूशन को फाइंड करने की बात की जा रही है, एक्सप्लेनेशन की बात नहीं की जा रही है, यानी इस क्वेश्चन के बिहाफ की आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था निगेटिव और फर्स्ट है निगेटिव, इस वजह से निगेटिव निगेटिव सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है, इनमें से कौन सा समस्या समाधान के गुण नहीं है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो कुछ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। पहला होता है किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड करना कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम के रीजन को जानने की कोशिश करना कि अगर ये प्रॉब्लम अराइज हुई है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। उसके बाद हम करते हैं कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम रियल लाइफ में भी उसका इस्तेमाल करेंगे कि जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया है इस प्रॉब्लम का, ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, यही यहाँ आपका भाषण और लेखन, इनका मतलब रिलेशन ही नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग से, यहाँ सी और डी गुण नहीं है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी ए और बी तो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है पॉजिटिव, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लेकिन ये सी और डी की बात करें तो ये दोनों निगेटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी होनी चाहिए, यानी कोई ईवीएस टीचर है वो किस टाइप की लैंग्वेज को उसे यूज करना चाहिए क्लास में। तो क्लास में जब भी कोई टीचर ईवीएस पढ़ा रहा है तो उसे ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जिससे बच्चे अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके, यानी जो बच्चे अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं जिस लैंग्वेज का, उसी में उसे पढ़ाना चाहिए। मान लीजिए एक कक्षा है यानी क्लास है, उस क्लास में सभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही आती है, और ईवीएस का टीचर आता है वो सभी बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा के जाता है, तो बच्चों को समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो टीचर को इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उसी लैंग्वेज में पढ़ाना है जिस लैंग्वेज में बच्चों को समझ आए। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है
अट्रैक्टिव एंड रिलेवेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आर हेल्पफुल बिकॉज, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं, जो भी मटेरियल यूज किए जाते हैं, उनको अट्रैक्टिव होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए. ऐसा क्यों? रीजन आपसे पूछ रहा है, रीजन आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा. फर्स्ट कह रहा है एक्टिवेट ऑल सेंसेस, यानी यहाँ चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन आपको बेस्ट फाइंड करना है. ईवीएस में यही प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है कि चारों ऑप्शन आपको सही देगा और आपको ये फाइंड करना होगा कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है. यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही सबसे बेस्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द लीस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन टीचिंग ऑफ ईवीएस, यानी ईवीएस पढ़ाते वक्त कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, इस बात की आपको पहचान करनी है. डिस्कशन विद स्टूडेंट, ये तो क्रिएटिव चीजें हैं, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा. फिर कह रहा है कार्य पत्रों पर चित्रों और रूपरेखों को बनाना, ये भी सही हो जाएगा. थर्ड कह रहा है पनिशिंग डिसओबीडिएंट स्टूडेंट, यानी जो बच्चे आज्ञा पालन नहीं करते उनको आप पनिश करो. तो पनिश की बात तो ईवीएस करता ही नहीं है, एनसीईआरटी में ये बात कही गई है, जो एनसीएफ है उसमें भी ये बात कही गई है कि बच्चे को आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, आपको उन्हें समझाना है, डील करना है अच्छे से, लेकिन आप पनिश नहीं कर सकते. यहाँ ना, यानी कि यहाँ थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के भी आप पे सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछ रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए. तो पहेलियां जो भी होती है, यानी कि अगर जो भी पहेलियां इन्वॉल्व की जाती हैं ईवीएस में, वो इसलिए इन्वॉल्व की जाती हैं ताकि बच्चा अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर सके, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग को यूज कर सके. तो यहाँ सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना. और जो पोएम्स होती हैं वो इस वजह से इन्वॉल्व की जाती हैं ताकि बच्चा इंजॉय कर सके, और स्टोरीज इस वजह से इन्वॉल्व की जाती हैं ताकि बच्चा उसे रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके, उसे अट्रैक्टिव लगे, उसका जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो सके. तो इन चीजों, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन ईवीएस में पूछे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट इज इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज बिकॉज, यानी कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ऐसा क्यों है? रीजन आपसे पूछ रहा है. इसमें कह रहा है कि वो विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ाएगा. एकदम सही है, बच्चे अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका मतलब है वो क्यूरियस है क्वेश्चन के प्रति, या जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उनमें उसकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है, इस वजह से वो क्वेश्चन को पूछ रहे हैं. तो पहला तो सही हो जाएगा. विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, ये भी सही है, लेकिन शिक्षक की क्षमता के, ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की, टीचर की बात नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ हो जाएगा केवल सी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ए और बी दोनों ही महत्वपूर्ण है. तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है. फिर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है, तो आपको बताना है. पहला कह रहा है ईवीएस एक अंतः विषयक विषय है, ये एकदम सही है. फिर कह रहे हैं पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा. ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, ये सही नहीं है. सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी ही पे ही हम फोकस नहीं करते, यानी ईवीएस अगर हम पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईवीएस इस वजह से पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें बच्चों को बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाना है. तो ये सही स्टेटमेंट नहीं है, यानी इस क्वेश्चन के भी आप पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे, यानी जो एवरेज स्टूडेंट है ना, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं है क्लास में, बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं है, एवरेज है, तो उनके लिए एक टीचर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है. उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, ये तो आप उसकी राइटिंग स्किल को डेवलप कर रहे हैं, क्रिएटिव स्किल को थोड़ी ना डेवलप कर रहे हैं. तो यहाँ फर्स्ट तो गलत हो जाएगा. उन्हें पहली पंक्ति में बैठा कर लगातार मार्गदर्शन करना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने कह दिया कि बच्चों आप लोग आगे बैठोगे और उन्हें बार बार आप टोंक रहे हो, बार बार उन्हें इंडिकेट कर रहे हो, तो उनके अंदर क्या हो जाएगी, एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा. तो इस वजह से सेकेंड भी आपका सही नहीं होगा. थर्ड कह रहा है कि उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना, सुधार के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना, यानी कि जो बच्चे हैं उनमें आपको ये फाइंड करना है कि इनकी कौन सी स्किल कमजोर है, यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स इनमें अराइज हो रही है, पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही है, समझने में क्या दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उससे रिलेटेड आपको सर्च करना है कि क्या क्या इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेथड हो सकते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन का सही हो जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, दोनों ही सही हो जाएगा। फॉर्मल एजुकेशन यानी कि आप कक्षा में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉन फॉर्मल यानी कि आप फील्ड में ले जाकर या आप क्लासरूम से बाहर जो एक्टिविटीज करा रहे हैं उनके रियल लाइफ से जो कनेक्ट कर रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इंप्रूव हैं टीचर, यानी अगर कोई बच्चा है उसमें अवधारणात्मक जो समझ है वो तब अच्छी होगी जब शिक्षक किस पे फोर्स करेगा, संवाद पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, प्रतिस्पर्धा पर या पाठ्य पुस्तकों पर, या सबसे पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड से। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? ये आपका असेसमेंट का ही एक टूल होता है। असेसमेंट मतलब स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। पहला कह रहा है फोकस ऑन प्रॉब्लम्स मेक जजमेंट, इसमें हम प्रॉब्लम को फोकस नहीं करते ना ही जजमेंट देते हैं, यानी ए और बी इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं, चर्चा करने के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन कौन सा होगा, अखबार, स्लोगन्स, फ्लैश कार्ड या पोस्टर्स, या सबसे ऑथेंटिक जो मटेरियल होगा वो हो जाएगा अखबार, क्योंकि बच्चों को न्यूज़पेपर दिखा सकते हैं कि देखो बच्चों जो घर की मक्खियां होती हैं उनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, कितने लोग इसमें से बीमार हुए, कितने हॉस्पिटल में हैं, यानी कितना ज्यादा ये डेली लाइफ में हमें इफेक्ट डालती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है, यानी दो टीचर हैं, एक का नाम है सरिता और दूसरे का नाम है मीनू। जो सरिता नाम की जो टीचर है वो बच्चों को खेल के मैदान में ले जाती है, हर दिन एक नया नया गेम खिलाती रहती है, और जो मीनू है वो क्या करती है वो क्लास में ही पाठ को लेसन को पढ़ाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लैश कार्ड्स को दिखाती हैं और आपसे पूछ रहा है कि सबसे इफेक्टिव टीचिंग कौन सी होगी। तो आपको ही अगर क्लास में बैठा के पढ़ाया जाए तो आपका कम मन लगेगा पढ़ने में, लेकिन अगर आपको खेल के मैदान में लेके पढ़ाया जाए तो आपको बहुत पढ़ने में मन लगेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो सरिता की जो स्ट्रेटेजी है पढ़ाने की वो ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा उपयोग उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, यह फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, इनमें तो हम बेसिकली इकोसिस्टम में जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल फैक्टर्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतरराष्ट्रीय संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिसे क्या कहा जाता है, यानी कि 1987 में क्या किया गया, ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक ट्रीटी साइन की गई, ये ट्रीटी को क्या कहते हैं ये आपसे पूछ रहा है, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते और नाचते हैं, यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं, इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो की जोड़ी में जमीन पर आमने सामने बैठते हैं, ढोल की तार पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं, बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं, यह राज्य कौन सा है, यहाँ मिजोरम की बात की जा रही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ी से रिलेटेड है। खेजड़ी एक वृक्ष जो राजस्थान में पाया जाता है, यानी यह वृक्ष मुख्यतः राजस्थानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये तो सही हो गया, इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है, इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, ये भी सही है, इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं, ये बात कर रहे हैं आपकी रेगिस्तानी ओक की, यानी जो ओक होता है जो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है इसकी बात की जा रही है, यानी ये गलत हो जाएगा, ये वृक्ष छायादार नहीं होता, ये भी गलत है, ये भी ओक की विशेषता है, यानी ए बी सी ही हमारे सही हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें पेट्रोल के थ्रू प्राप्त किया जा सकता है, तो जो मोम है वो भी पेट्रोल से प्राप्त की जाती है, कोलतार भी प्राप्त की जाती है, ग्रीस भी प्राप्त की जाती है, जब पेट्रोल को जमीन से निकाला जाता है तो एक गाढ़ा बदबूदार काला कलर का द्रव्य होता है जिससे अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, जिनमें आ जाता है मोम, कोलतार, ग्रीस, यानी फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एडवोकेट का जो घर है वो एक्स पर है और वाई पर उसका कोर्ट है, लेकिन एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है,
अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है, यानी कि ऐसे 100 मीटर। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है, यानी फिर वो बी पे पहुंच गए। फिर कह रहा है, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है, यानी यहां पहुंच गए। अंत में वाई पर कोर्ट पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में है, यानी यहां पहुंच गए। पूछ रहा है कि कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा क्या है। यहाँ की जो डिफरेंस थी वो कम थी इसकी अपेक्षा, तो जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। कौन सा सही होगा आपका? उत्तर पश्चिम, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्पीड डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड है। डिस्टेंस आपको दी गई है, टाइम आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा देना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा 58 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन से स्टेट का ग्रुप है जो समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, यानी इधर आ जाता है आपका अरेबियन, इधर आ जाता है अरेबियन सागर, इधर आ जाता है बे ऑफ बंगाल। आपसे पूछ रहा है कि इधर जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें कौन से स्टेट आ जाते हैं, तो इधर आ जाता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आ जाता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर आ जाता है उड़ीसा, उड़ीसा के बगल में आ जाता है वेस्ट बंगाल। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक हो जाएगा। तो देखते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई, वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो किससे बना है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छोटे छोटे भरवा बैंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पक्षियों के पंख जो होते हैं विभिन्न रंगों आकारों माप के होते हैं, इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा, यानी कि पंख उड़ने में तो सहायता करते हैं, इसके अलावा किस किस चीज में सहायता करते हैं। तो विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, भोजन को खाने के लिए तो चोंच की आवश्यकता होती है ना, यहाँ तो ये सही नहीं है। उन्हें गर्म रखते हैं, ये भी सही है। विभिन्न तरीकों से चलने में, चलने के लिए पंजों की जरूरत होती है ना कि पंखों की, तो ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें जलसा बनाते यानी वाटर प्रूफ बनाते, ये भी सही हो जाएगा, यानी बी और डी एकदम सही है, सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि मणिपुर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहे हैं मणिपुर का जो अर्थ है वो है जेवरों का देश, सही हो जाएगा। लावणी मणिपुर का अनुरूप नृत्य है, नहीं, लावणी महाराष्ट्र का है, तो ये गलत है। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दद्दलों के लिए, ये भी सही है। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही होगा, यानी ए सी डी सही है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मध्य प्रदेश के तीन समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इधर आपको गुजरात आ जाता है, इधर आ जाता है आपका राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश के बगल में आ जाता है आपका छत्तीसगढ़, यानी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नीचे की तरफ महाराष्ट्र आ जाता है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो मच्छरों द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो मच्छरों द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियां होती है डेंगू और मलेरिया, यानी बी और डी, बी और डी किसमें दिया है, थर्ड में, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम की बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मिजो, लोसेई और कुकी, ये मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती है, क्या कहलाता है। यहाँ आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन भवाई। आपने देखा भी होगा कि जो औरतें होती हैं अपने सर पे कई सारी मटकियों की एक सीक्वेंस, एक सीरीज बना लेती हैं और घूंघट डाल के नृत्य करती हैं, तो उस नृत्य को कहते हैं भवाई, जो कहाँ का पारंपरिक नृत्य है, राजस्थान का। यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है। तो यहाँ सेकेंड सही हो जाएगा, समक्का सरालम्मा जात्रा, ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला या आदिवासी उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट और डांस के बारे में सही जो युग्म है वो आपको पहचानना है। कर्नाटक, कथक कर्नाटक का है, जी नहीं, कथक उत्तर प्रदेश का है, यानी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। वो ये असम का है, ये भी गलत हो जाएगा। लावणी महाराष्ट्र का है, यानी ये भी गलत।
अगर कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी डेली क्लासेस एग्जाम तक ऐसे ही चलती रहेंगी और आपकी अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।